हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी हासिल, सदर मुमलकत आरिफ अलवी भी हुकूमत से मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक नए एक्ट के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर किए गए फैसलों पर नजरसानी का दायरा वसी किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने इस पेशरफ्त के बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच को बताया, जो 4 अप्रैल के हुक्म के खिलाफ ईसीपी की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत कर रहा था। अब नए कानून के तहत नजरसानी की समाअत होगी। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का जायजा बिल 2023 मंजूर किया, जिसका मकसद आइन के आर्टिकल 184 के तहत अपील का हक देना है।